नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मूवी न्यूज पर। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के वन ऑफ द बेस्ट एक्टर शाहिद कपूर। दोस्तों इनके साल 2024 में आने वाली एक धमाकेदार एक्शन थ्रिलर फिल्म के बारे में, जिसका कि ऑफिशियल बजट सामने निकल कर आ चुका जी। और दोस्तों शाहिद कपूर ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में इस फिल्म के बारे में काफी बड़ी अपडेट दे दी है। तो अगर आप भी इनके बहुत बड़े फैन हैं और जानना चाहते हैं कि ये फिल्म कब तक बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देने वाली और फिल्म में क्या कुछ खास होने वाला, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि शाहिद कपूर की अगली फिल्म का टाइटल होने वाला है देवा, जो कि एक धमाकेदार एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली। दोस्तों इस फिल्म को डायरेक्टर रोशन एंड्रयू के डायरेक्शन में बनाया जा रहा है, जो कि मलयालम इंडस्ट्री की कई ब्लॉकबस्टर फिल्में बना चुके हैं जी। और दोस्तों ये डायरेक्टर मलयालम इंडस्ट्री में अपनी बेहतरीन फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। बताया जा रहा है कि इनकी ये फिल्म भी बेहद खास होने वाली, जिसका कि बजट लगभग 100 करोड़ से भी ज्यादा का होने वाला है। और दोस्तों इसके साथ ही यह फिल्म शाहिद कपूर के करियर की सबसे बड़े बजट की फिल्म होने वाली है। दोस्तों अगर बात करें फिल्म की बाकी स्टार कास्ट के बारे में, तो फिल्म में शाहिद कपूर के साथ साथ एक्ट्रेस पूजा हेगड़े भी नजर आने वाली हैं। दोस्तों अगर बात करें फिल्म की शूटिंग के बारे में, तो बताया जा रहा है कि फिल्म की लगभग 70% से ज्यादा शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है। और दोस्तों मार्च के आखिर तक फिल्म का काम पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, जिसके बाद फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन किया जाएगा। दोस्तों फिल्म की रिलीज डेट पहले ही अनाउंस हो चुकी है। दोस्तों फिल्म को 11 अक्टूबर 2024 के मौके पर दशहरा पर रिलीज किया जाएगा। और अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये फिल्म आते ही तमाम बड़े रिकॉर्ड तोड़ सकती है और शाहिद कपूर के करियर की एक बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बन सकती है। दोस्तों फिल्म से इनका जो लुक आउट हुआ ऑडियंस को काफी ज्यादा पसंद आया है और अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह फिल्म सभी का दिल जीतने वाली है। तो आप सभी इस फिल्म को देखने के लिए कितना एक्साइटेड है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।